गुड आफ्टरनून ऑफ यू। पिछले रिवीजन क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिवीजन को स्टार्ट किया था और हमने अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही डिस्कशन किया था, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने एक बेसिक फॉर्मेट देखा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन सब के ऊपर डिस्कशन किया और फिर मैंने आपको कई सारे एग्जामिनेशन एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। और आज की क्लास में भी बिना देरी के चलिए बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को आगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, इसको आप पहले तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है कि पहले डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर कभी पूछा जाता था, और उस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे तो कुछ क्वेश्चन ना एग्जामिनर के फेवरेट होते थे काफी, और उन क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट डला हुआ होता था। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो एमसीक्यू है ये एक लेंथी क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट निकाल के आपके सामने रखा गया है, और ऐसा नहीं कि मैंने ये एमसीक्यू ऐसे ही हवा में बना दिया, नहीं, इस तरह का एमसीक्यू एग्जाम में आया भी हुआ है। इसके ठीक बाद मैं वो करवाऊंगा एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन एमसीक्यू है, और फिर से आ सकता है, तभी मैंने कहा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और मांगा क्या है, आइए जरा पहले वो देख लेते हैं। हमको इस क्वेश्चन में स्टॉक के बैलेंसेस दे रखे हैं और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। डेट कौन सी, 1/4/15 और 31 मार्च 16। मतलब फाइनेंशियल ईयर अगर 15-16 की बात करें तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, और जो डिमांड हमसे करी है वो करी है, बताइए कि क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट किया होगा। देखिए क्रेडिटर्स को जब आप कुछ पेमेंट करते हैं तो मैं अगर एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हम जानते हैं कि एनी पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इज एन ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट करना। लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह ऑपरेटिंग है कि नहीं है, सवाल यह है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किया है यह बता दीजिए। अब आप अगर देखें यहां पर हमें स्टॉक और क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। एक तरीका है कि मैं आपको एक रट्टा लगवा दूं कि देखो ये क्लोजिंग बैलेंस को ऐसे प्लस कर लो, इसको ऐड कर लो, ओपनिंग को माइनस कर दो, या ओपनिंग को प्लस कर लो, क्लोजिंग को माइनस कर लो, और हमारा निकल आएगा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। पर मेरा ना वो स्टाइल नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको क्रैम करवा के कुछ पढ़ाऊं। मैं अगर कुछ रिवाइज भी करवाऊं तो मैं चाहता हूं कि मैं लॉजिकली बात करूं, रीजनिंग के साथ बात करूं, और रीजनिंग के साथ अकाउंट्स में खाते बनाने से बेहतर कैसे बात हो सकती है भाई। अकाउंट्स में अकाउंट बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर बात समझ में आएगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने स्टॉक का भी लेजर बना दिया है और क्रेडिटर्स का भी लेजर बना दिया है, और स्टॉक और क्रेडिटर्स अकाउंट आपस में कनेक्टेड हैं। आप इस बात से भी सोचिए कि स्टॉक खरीदना, अगर हम स्टॉक खरीदते हैं और उधार पे खरीदते हैं तो जिस इंसान से आप उधार पे स्टॉक खरीद रहे हो उस इंसान को क्या बोलते हो, कि वो मेरा क्रेडिटर है, उधार पे खरीदे हैं बाद में मुझे उसको पैसे देने हैं। स्टॉक और क्रेडिटर्स कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि स्टॉक हम खरीदते हैं किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से खरीदते हैं, इसलिए दोनों खाते जो है कनेक्टेड है। और इतनी बेसिक बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको पता होगी कि स्टॉक क्योंकि एक एसेट अकाउंट है और एसेट के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि इसका जो डेबिट ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कि हम यहां पर लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपए का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है यहां पर लिख दिया हमने बाय बैलेंस कैरेट डाउन 15,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्योंकि एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस इस साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, और ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,000। ठीक है, पेन छोड़ के प्लीज सामने देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप जब उधार पे गुड्स खरीदते हैं तो मुझे बताओगे एंट्री क्या करते हो। सर उधार पे गुड्स खरीदने की एंट्री हम करते हैं परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर्स, होती है कि नहीं होती, हाँ सर होती है। तो मुझे अगर इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी हो क्रेडिटर्स के लेजर में तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर, सर मुझे यहां लिखना चाहिए बाय परचेजेस। क्या बात ये आपको समझ में आती है? हाँ सर, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखा आएगा, बाय परचेजेस। और क्योंकि जब मैं उधार पे खरीद के लाऊंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, तभी आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स का खाता क्रेडिट हो रहा है, और ज्यादा क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हम किसी से उधार पे खरीदेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा इसी क्रेडिटर्स को जब आप पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? सर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बैंक। इसका मतलब चौथी चीज यहां पर जो आएगी वो क्या आएगी, टू बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, मैं भी कुछ लिखा नहीं है यहां पर, मैं बस आपको बता रहा हूं कि
ये चार चीजें हैं जो जनरली क्रेडिटर्स के अकाउंट में आती है, मेन में ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और यहाँ बाय परचेजेस, और यहाँ पे टू बैंक। और लॉजिकली आप एंट्रीज से देख लीजिए, जब हम उधार पे सामान खरीद के लेके आते हैं तो एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय परचेजेस, और जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे, क्रेडिटर्स टू बैंक, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। मैंने वही आपके सामने किया है, कुछ नई बात नहीं करी है। देखिए जिस तरीके से क्रेडिटर्स के अकाउंट में चार चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक वैसे ही स्टॉक के अकाउंट में भी चार चीजें होती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा यहाँ पर हम शो करते हैं परचेजेस, और यहाँ हम शो करते हैं बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मैं अब इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं ये परचेजेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अकाउंट्स का ये एक बेसिक रूल है कि जब जब हमारे बुक्स में एसेट बढ़ता है तो एसेट के बढ़ने को करते हैं डेबिट और एसेट के घटने को करते हैं क्रेडिट। अब ये तो बात मानते हो कि स्टॉक हमारे लिए एक एसेट है, नहीं तभी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो होता है। अब जब मैं परचेज करके आऊंगा स्टॉक को तो मेरे गोडाउन में स्टॉक बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, इसलिए हम यहां पर इसको परचेज कर रहे हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि सर यहां पर भी आपने परचेज लिखा है, आप एंट्री देख लो ना एक बार, अगर हम यहां पर लिख रहे हैं परचेज, यहां लिख रहे हैं तो हमने उधार पे जब गुड्स खरीदे तो हमने क्या एंट्री पास करी, सर हमने एंट्री पास करी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और जो आपको ऊपर दिख रहा है उसके हिसाब से हमने एक और एंट्री क्या पास करी, हमने स्टॉक को डेबिट कर दिया, और क्योंकि उस परचेज हिस्से स्टॉक बड़ा है तो हमने स्टॉक टू परचेज कर दिया यहां पर, ठीक है ना। आप देख रहे हैं परचेज परचेज आपस में कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली व्हाट इज द एंट्री, स्टॉक टू क्रेडिटर्स। अगर मैं आपसे नेट इंपैक्ट पूछूं तो नेट इंपैक्ट क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब इस ट्रांजेक्शन से क्रेडिटर्स बढ़े हैं और स्टॉक भी बढ़ा है। लेकिन हम ना इसको रूट करते हैं, डायरेक्टली भी एंट्री की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ना परचेज के खाते से रूट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये जो स्टॉक बढ़ा है ये परचेज की वजह से बढ़ा है, या ये क्रेडिटर्स बढ़े हैं ये भी परचेज की वजह से बढ़े हैं, इसलिए उसको बीच में परचेज के अकाउंट से रूट कर दिया जाता है। हालांकि मैं आपको एक इंटरनल बात बताऊं, आपको याद होगा आपने ट्रेडिंग अकाउंट कभी बनाया होगा, याद है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, परचेजेस लिखते थे। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे तब स्टॉक अकाउंट बनाने की नीड ही नहीं होती थी, परचेज का खाता खुला क्रेडिटर्स टू परचेजेस और फिर वही परचेज को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, आपको अगर कुछ ऐसा याद हो। पर क्योंकि हम यहां पर लेजर सीख रहे हैं, स्टॉक का खाता अगर बनाना हो तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में और स्टॉक अकाउंट में क्या फर्क है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। यहां पर चौथी चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला को याद कीजिए, मैंने आपको रेशियोज के रिवीजन के दौरान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, याद है हमने वहां पे उसका डेरिवेशन किया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे हम अराइव हो कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, सर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू COGS। वहां पर हमने ये बात पढ़ी थी कि हाँ ऑफकोर्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी हम जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो इग्नोर कर दिया। वैसे फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, फिलहाल वो यहाँ नहीं है तो उसको इग्नोर करके हमने कहा ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप जरा सोचिए यहां पर अगर मैं फिलहाल इसको हटा दूं तो ये बैलेंसिंग फिगर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सर बैलेंसिंग फिगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे इसको जोड़ दो, इन दोनों को जो जोड़ के आएगा उसमें से ये माइनस कर दो, मतलब हम 1 + 2 - 3 करके ये बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। ये 1 क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये 2 क्या है, परचेजेस है, और ये 3 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई इसकी बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली क्लियर है, डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस है दोनों को जोड़ेंगे और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तभी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब कभी आपने बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो तो बस फर्क पता क्या होता था, यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आती थी, यहां पे एक्चुअली में हम सेल लिखते थे सेल्स, और क्योंकि सेल्स के अंदर जीपी होता था एक्स्ट्रा, प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता था, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी निकल आता था। पर यहां हम सेल नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, उस सेल की कॉस्ट, इसलिए कोई जीपी नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहां पे जीपी मेंशन ही नहीं किया तो इसलिए इस खाते में जीपी आता नहीं। ठीक है, हम यहां पे स्टॉक का अकाउंट बना रहे हैं और स्टॉक अकाउंट हमेशा कॉस्ट पर मेंटेन्ड होता है, किस पर मेंटेन्ड होता है, कॉस्ट पर। अब आप जरा सोचें 10,000 रुपए का सामान आपके पास पहले से रखा हुआ था,
परचेज करने का मतलब क्या है, आप और सामान खरीद के लेके आए, 10,000 का सामान पहले से रखा हुआ था आपने और खरीदा और इतना बच गया, इसका मतलब बाकी बेच दिया होगा। ओपनिंग स्टॉक मतलब पहले से रखा था, परचेज मतलब और खरीदा, माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब बच गया, तो क्लोजिंग माइनस करके बाकी क्या हो गया, बाकी बिक गया होगा। तो क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की भी कॉस्ट लिखी है, परचेजेस की भी कॉस्ट लिखी है, तो सेल की भी क्या लिख रहे हैं, सेल की भी हम यहां पर कॉस्ट ही लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। तो हम अब यहां इसको अगर पूरा कर दें, बढ़ू आगे बढ़ू ना, चलो मैं अब यहां से ये सब चीजें हटा देता हूं जो यहां लिखी है एक्स्ट्रा। अब आइए जरा देखिए यहां पर प्लीज, हमें क्या इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है? हाँ सर पता है। कितनी पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? सर 55,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो क्या आप बैलेंसिंग फिगर परचेजेस निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। 55 + 15 कितना होता है? 70,000। परचेजेस कितना आ गया? 60,000 आ गया। ये 60 क्या यहां ले सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हो। 90,000, 90,000। आप जरा सोचें, 30,000 की उधारी पहले से ही आपके पास थी, 60,000 की उधारी आपने और कर ली, टोटल 90,000 की उधारी रह गई। साल के आखिर में देखता हूं तो उधारी सिर्फ 20,000 की रह गई है। 90,000 की उधारी में सिर्फ 20,000 की उधारी रह गई, इसका मतलब बाकी आपने क्या कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा। बैलेंसिंग फिगर कितना? 70,000। दिस इज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। कितने का क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है? 70,000 रुपए का। आप अगर ध्यान से देखें इन दो खातों में 8 चीजें हैं। क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा बाय परचेजेस, टू बैंक, और स्टॉक अकाउंट में क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा टू परचेजेस और बाय सीओजीएस। 8 चीजें हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही चीज यूजफुल है, और वो पता है कौन सी? ये वाली, बस। और कुछ भी यूजफुल नहीं है, ना उधार की परचेज यूजफुल है, ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूजफुल है, कुछ भी यूजफुल नहीं है। सिर्फ इन 8 चीजों में एक ही चीज काम की है, टू बैंक। टू बैंक क्यों? क्योंकि हम बैंक अकाउंट ही बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज काम की है। 70,000 रुपए का हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, सी इज द आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 30, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, और देखिए सेम ये वही एक्सट्रैक्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, यहां पर बस नाम बदला हुआ है। स्टॉक का एक और नाम आप जानते हो क्या होता है? इन्वेंटरी। क्रेडिटर्स का भी एक और नाम क्या होता है? अकाउंट्स पेबल। नहीं, ये वही है, बस थोड़े नाम बदल दिए हैं उसने। अच्छा, यहां पर भी 2020 31 मार्च, 2021 31 मार्च आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है। अच्छा, इन्वेंटरी अकाउंट या स्टॉक अकाउंट में आपको पता है ना क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, और फिर स्टॉक क्योंकि बढ़ता है किससे? परचेज करने से। तो हमारे पास पहले से स्टॉक था, हमने और खरीदा, अब या तो वो बिक जाएगा, जो बिक जाएगा उसकी कॉस्ट लिखनी है, क्योंकि ये दोनों भी कॉस्ट पर मेंटेन्ड है, और जो नहीं बिक पाएगा वो बच जाएगा, ऐसे ही होता है ना। अच्छा ठीक है, ऐसे ही अकाउंट्स पेबल में क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और ये क्रेडिट हमारे बढ़ते किसकी वजह से हैं? परचेजेस से, और घटते किसकी वजह से हैं? पेमेंट करने से। जिस तरीके से एसेट बढ़े तो डेबिट करो, एसेट घटे तो क्रेडिट करो। स्टॉक बढ़ा तो हमने परचेजेस डेबिट किया, स्टॉक घटा क्योंकि सेल कर देंगे तो स्टॉक घट जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अकाउंट्स पेबल, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, हम परचेज करके आएंगे उधार पर तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो इसलिए जब जब क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है, और जब क्रेडिटर्स घटते हैं, लायबिलिटी घटती है, तो उसको डेबिट कर देते हैं, तो पेमेंट करने पे हमने डेबिट कर दिया, टू बैंक कर दिया। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं। अब हमें जो जो दे रखा है ये पुट करते चलते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10,00,000 रुपए का, इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10,00,000 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस है 6,00,000 रुपए। तो 10,00,000 यहां लिखा, 6,00,000 यहां लिखा, और क्या गिवन है? अकाउंट्स पेबल का 24,00,000 ओपनिंग, 30,00,000 क्लोजिंग, तो यहां पे मेंशन कर दो 24,00,000 ओपनिंग और 30,00,000 क्लोजिंग। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें दे रखी है 1,00,000 रुपए की। कितने की दे रखी है? 1,00,000 रुपए की दे रखी है। ध्यान रखना 7,00 है, कहीं गिरा मत देना। 1,00,000 रुपए। क्या अब आप परचेजेस बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ भी कितना आएगा? सर 1,00,000, 6,00,000 माइनस 10,00,000, 96,00,000। 96,00,000। क्या ये परचेजेस यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, 96,00,000। अब आप ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, 96,00,000 + 24,00,000, ये हो गया 1,20,00,000। 30,00,000 घटा देंगे
तो 90 लाख बचेगा। सिंपल मैथ्स है, मैं कुछ यहां पर नई बात नहीं कर रहा हूं। 90 लाख मतलब ए इज द आंसर। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये वाला। अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्जामिनर के बड़े फेवरेट हुआ करते थे, उनमें से है ये एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर का काफी फेवरेट रह चुका है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें से कई सारे एमसीक्यू बन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करवाने का मतलब है कई सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। और आप ये भी देखिए, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने फिलहाल अभी तक एक भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाई है। तो मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवा दूं। और आप ये मान के चलिए, क्योंकि हमारा तो एमसीक्यू पैटर्न है, आप ये मान के चलिए कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें से ही कई सारे एमसीक्यूज का जवाब हम दे देंगे। और वो सारे एमसीक्यूज मैं, वो पूरा क्वेश्चन करवाने के बाद मैं इस क्वेश्चन के डिस्कस भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38, मतलब 8 एमसीक्यू इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो सॉल्व हो सकते हैं, वो मैं एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद करवाऊंगा भी आपको। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। माधुरी लिमिटेड गिव्स यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सेल्स फॉर द ईयर 96 लाख सेल्स रखी है, और क्वेश्चन में क्लियरली उसने इंडिकेट कर दिया है कि कंपनी जो है वो कैश में ही गुड्स बेचती है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ये 96 लाख रुपीज जो है ये सारी की सारी कैश सेल्स है। और आप मुझे बताइए, कैश सेल्स मतलब कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम यहाँ पर कैश सेल्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेंशन कर सकते हैं। 96 लाख रुपीज की सेल करी है, इसको इनर कॉलम में मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है ना। फिलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको नहीं बताया कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। जब उसका सही वक्त आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वॉज 60% ऑफ सेल्स। अब ये बात ध्यान देने वाली है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी अभी हमने देखा स्टॉक के खाते में जाती है, ठीक है। फिलहाल अभी हमें क्योंकि इस पॉइंट का नहीं पता है, तो इस पॉइंट को अभी हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 43। इसका मतलब ये तो स्टॉक के ओपनिंग क्लोजिंग की बात कर रहा है, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सीडेड दोज ऑन 31st, ये भी ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बात कर रहा है, इसको भी हम बाद में देखते हैं। जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, उसको हम स्टार बना के आगे चल रहे हैं। टैक्स पेड, टैक्स पेड ये तो हमें पता है, टैक्स कहाँ पे आता है, टैक्स कौन सी एक्टिविटी होता है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम बाय डिफॉल्ट टैक्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानते हैं, तो हम टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो कर देते हैं। कितने का टैक्स हमने पे किया है? सर हमने टैक्स पे किया है 7 लाख रुपए का, तो 7 लाख रुपए का टैक्स हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। ध्यान रखें, कोई भी अगर पेमेंट है तो उसको नेगेटिव में रखिए, बैलेंसेस में ब्रैकेट्स में रखिए, ताकि आप गलती से माइनस होने वाली चीज को प्लस ना कर बैठे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। आप मुझे बताइए, क्या डेप्रिसिएशन कहीं पे आना चाहिए? नहीं सर, नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन कहीं पर आता नहीं, इसलिए ये इग्नोर करने वाली चीज है। अच्छा, आगे लिखता है वेयर एज अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अब ये अदर एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, इसका मतलब अब ये उन खर्चों की बात कर रहा है जो कैश में हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस का टोटल दिया हुआ है 2145, लेकिन आगे उसने हमें कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता रखे हैं लास्ट डेट के और बिगनिंग डेट के। इसका मतलब ये पॉइंट भी समझने वाला है, इसके बारे में बात अभी हम करेंगे, तो मैं इसको भी यहां पर स्टार मार्क करा के आगे बढ़ रहा हूं और इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना, जितने पॉइंट्स डिस्कस करूंगा सब पर इंडिविजुअली एमसीक्यू बन सकता है। चलिए आगे पढ़िए। न्यू मशीनरी एंड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,27,500 इन ऑल वर परचेज्ड। कह रहा हमने नई मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है और हमने परचेज किया है 10,27,500। कुछ बताया नहीं हुआ कि हम कैश में लेके आए हैं, उधार में लेके आए हैं, तो मान के चलेंगे कि कैश में ही लिया होगा। मशीनरी और फर्नीचर जनरली उधार पे मिलता भी नहीं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मशीनरी एंड फर्नीचर परचेज्ड। अब मुझे बताइए, ये 10,27,500 ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? सर मशीनरी परचेज करेंगे तो पैसा दे के आएंगे ना, तो आउटफ्लो है, इसलिए ब्रैकेट्स में आएगा। उसके बाद राइट इशू वॉज मेड 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर।
हमने एक राइट इशू किया है और 10 रुपए का शेयर जो है फेस वाले 10 रुपए है, 3 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है, इसका मतलब 13 रुपए का इशू प्राइस आया होगा। इंटायर मनी वॉज रिसीव विद एप्लीकेशन, मतलब सारा ही पैसा आ गया। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इशू राइट हो या रॉन्ग हो हमें क्या मतलब भाई, हमें पता है कि शेयर कैपिटल के अगेंस्ट पैसा आ रहा है, 10 रुपए आए, 13 रुपए आए, सारा पैसा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट आ रहा है, मतलब फेस वैल्यू का हो प्रीमियम का हो हमारे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि कैपिटल के अगेंस्ट आ रहा है, इट्स दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और क्योंकि पैसा आ रहा है इट्स दी इनफ्लो, राइट। तो हम यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स, या ऐसा लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू। कितना सर? 50,000 शेयर्स हैं, 13 रुपए का एक है, 50,000 × 13 मल्टीप्लाई करके बताना कितना आता है, 6.5 लाख, 6.5 लाख इनफ्लो है, आ रहा है पैसा, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें कहता है डिविडेंड्स, डिविडेंड्स टोटलिंग ₹4 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड हम पे कब करते हैं, अपनी कैपिटल पर पे करते हैं, और कैपिटल पे दिया हुआ सर्विस कॉस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, इसका मतलब डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड। कितने का डिविडेंड दिया है भाई हमने? सर डिविडेंड दिया है 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए। जितने पॉइंट्स हमको समझ में आए वो हमने मेंशन कर दिए, जो फिलहाल हमसे नहीं हुए हमने उनको स्टार मार्क कर दिया था। आइए जरा अब उन स्टार जो हमने मार्क कर रखा है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां पर पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से ज्यादा है 43,000 से, इसका मतलब इसने क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री तो नहीं बताई लेकिन दोनों का डिफरेंस बताया है। नहीं, अगर हमारा ओपनिंग 1 लाख है तो क्लोजिंग 143 होगा, अगर हमारा ओपनिंग 0 है से तो क्लोजिंग 43 होगा, अगर हमारा ओपनिंग 2 लाख है तो क्लोजिंग 240, मतलब ये कह रहा है कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो 43,000 रुपए का है। ट्रेड क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2006 एक्सीडेड दोज ऑन 31 मार्च 2005 बाय 23,000, इसका मतलब यहां पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया लेकिन दोनों का डिफरेंस दे दिया, 23,000 रुपए का है। मैंने ना आपके सामने फिर से वही स्टॉक और क्रेडिटर्स अकाउंट बना दिए लेकिन इस बार ना ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कंप्यूट नहीं कर पाएंगे आप जितने की पिछले 2 MCQs में किया था, लेकिन हमें यहां पर कुछ तो रेडीमेड फिगर दे ही रखी है, रेडीमेड नहीं ऑलमोस्ट रेडीमेड दे रखा है। क्या दे रखा है सर हमको भाई? उसने ये बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल जो है वो 60% है सेल का, और सेल हमको पता है 96 लाख रुपीज की है, इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल तो निकाला जा सकता है। तो इन अकाउंट्स में जो जो बातें लिखी हैं इस वाली इंफॉर्मेशन को तो हम कंप्यूट कर ही सकते हैं भाई, 96 लाख सेल का 60% कर दोगे तो सीओजीएस आ जाएगा, जरा करके बताना कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 57,60,000, चेक कर लो भाई सारे, यही आ रहा है क्या? 57,60,000, ठीक है सर। अब आगे का जो कैलकुलेशन है उसके लिए ना उसने हमको इंडिकेशन दे रखा है। क्या इंडिकेशन दे रखा है? उसने बोला है क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज हायर देन ओपनिंग इन्वेंटरी बाय 43,000। उसने मुझे क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखे पर दोनों का डिफरेंस दे रखा, और ध्यान रखे ज्यादा क्या है, क्लोजिंग इन्वेंटरी वॉज हायर, मतलब हमें यह देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 43,000 से। अब मैं आपको एक सीधा सीधा ट्रिक देता हूं, आप, मैं कह रहा हूं ओपनिंग स्टॉक को कुछ भी एज्यूम करके देख लो एक बार, मान लो मैं ओपनिंग स्टॉक को 0 एज्यूम कर लेता हूं तो मुझे बताइए अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को 0 एज्यूम करता हूं तो क्लोजिंग कितना होगा? सर क्लोजिंग 43 ज्यादा है तो 0 प्लस 43 कितना होगा? सर ये हो जाएगा 43,000, 0 प्लस 43। आप मुझे बताओगे जरा परचेजेस कितनी आ जाएगी अगर मैं ऐसे एज्यूम करता हूं? सर 5760 प्लस 43 माइनस 0, ये बैलेंसिंग फिगर हम निकाले अगर तो ये आ जाएगा 58,03,000। सर ये तो आपने 0 एज्यूम कर लिया, ऐसे कैसे? कुछ और एज्यूम करके दिखाओ। मान लो मैं इसको 1 लाख एज्यूम कर लेता हूं, सपोज मैं इसको 1 लाख एज्यूम कर लेता हूं तो क्लोजिंग कितना है 43 ज्यादा तो ये कितना हो जाएगा 143। अभी भी आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखोगे ना तो 58,03,000 ही आएगा, आप चेक कर लो चाहे, इसमें 143 जोड़ोगे और 1 लाख माइनस करोगे तो अभी भी यही आएगा। मैं कह रहा हूं कोई भी फिगर एज्यूम कर लो, कोई भी फिगर एज्यूम कर लो, इसको 2 लाख एज्यूम कर लो, अगर आप इसको अगर आप 2 लाख एज्यूम करोगे तो क्लोजिंग कितना होगा? सर क्लोजिंग 243 होगा। आप जरा सोचिए
आप कुछ भी फिगर एज्यूम करिए, आप नेट में अब देखोगे तो 43,000 ही ऐड कर रहे हो 5760 में। आप अभी मान लो आपने 2 लाख ओपनिंग स्टॉक एज्यूम किया, तो आपने क्या किया 5760 में 243 ऐड किया और 2 लाख माइनस किया, नेट में कितना ऐड किया 43। आप अगर ओपनिंग स्टॉक को जीरो एज्यूम करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक 43 है, तो 43 ऐड किया, जीरो माइनस किया। अगर ओपनिंग स्टॉक को 1 लाख एज्यूम करते हो और क्लोजिंग फिर 143 हो जाएगा, तो 143 ऐड किया, 1 लाख माइनस किया, तो नेट में हो क्या रहा है, नेट में तो 43 ऐड हो रहा है ना, डिफरेंस ही ऐड हो रहा है। तो आपका ओपनिंग कुछ भी एज्यूम करना मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहां पर कन्वीनियंस के लिए जीरो एज्यूम कर लेता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि ये एज्यूम्ड है। जीरो प्लस 43, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप। अब जो हमने स्टॉक अकाउंट में परचेजेस की फिगर कंप्यूट करी है, वो ये परचेजेस की फिगर हम यहां पर क्रेडिटर्स के अकाउंट में यूज कर सकते हैं, 58,03,000। नहीं तो हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट की एक इंफॉर्मेशन आ गई, और जिस तरीके से हमारे पास ऊपर स्टॉक के लिए एक लाइन लिखी थी, वैसे ही क्रेडिटर्स के लिए भी यहां पर एक लाइन लिखी है। क्या लाइन लिखी है? ट्रेड क्रेडिटर्स ऑन 31st मार्च 2006 एक्सीडेड दोज ऑन 31st मार्च 2005 बाय ₹23,000। अब आप जरा सोचिए, वो कह रहा है 31 मार्च 2006 के क्रेडिटर्स ज्यादा हैं 31 मार्च 2005 के क्रेडिटर्स से, तो 6 और 5, तो क्लोजिंग कौन सा हुआ 6 वाला। तो वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर मोर देन ओपनिंग क्रेडिटर्स बाय ₹23,000। एक्सीडेड का मतलब क्या है, ज्यादा है, तो क्लोजिंग वाले ज्यादा है ओपनिंग से। तो यहां पर भी आप क्या कीजिए, यहां पर भी जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक को जीरो एज्यूम किया था, यहां पर हम ओपनिंग क्रेडिटर्स को जीरो एज्यूम कर लेते हैं। नहीं, और अगर आप इसको जीरो एज्यूम कर लोगे तो हमारे जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे 23 हो जाएंगे। और अगर आप देखें यहां पर 58,03,000 में जीरो ऐड करके 23 माइनस करके हम ये बैंक अकाउंट वाली फिगर निकाल लेंगे। अगर मैं 1 लाख एज्यूम करूं तो क्लोजिंग 123 हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, इस 58,03 में 1 लाख ऐड करोगे और 123 माइनस करोगे, तो नेट में तो 23 माइनस हो रहा है। जैसे वहां पर डिफरेंस ही हम एडजस्ट कर रहे थे, तो यहां पर भी डिफरेंस ही एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, हमने यहां पर क्या एज्यूम कर लिया है, जीरो एज्यूम कर लिया है। अब आप मुझे बताइए ये कितना आ गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये बैलेंसिंग फिगर कितना बता रहे हो, 57,80,000। अब आप फिर से वही बात समझिए, ये जो दो खाते हैं स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, इनमें हमने 8 चीजें लिखी हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, ऐसे ही यहां पे COGS परचेजेस, क्रेडिटर्स में भी ओपनिंग क्लोजिंग, बैंक और परचेजेस हमारे लिए, लेकिन काम की सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि टू बैंक, क्योंकि हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश अकाउंट, तो हमें पेमेंट क्या हुआ है वो मैटर करता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन सी है कि हमने क्रेडिटर्स को पे कितना किया, ये जो 57,80,000 की फिगर है, ये कौन सा कैश फ्लो है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो कहां पे आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और यहां पर हम लिख देते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर्स, और जो हमने दो अकाउंट्स बनाए हैं उसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी, 57,80,000, और क्योंकि वो एक आउटफ्लो है तो इसलिए ब्रैकेट्स में शो कर देते हैं, और यहां पर इसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 बोल देते हैं। अब पता है एग्जामिनर क्या करेगा, देखिए एग्जामिनर पता है क्या करने वाला है, वो ये 4 पॉइंट्स लेगा, ये वाले 4 पॉइंट्स लेगा, इस क्वेश्चन से निकालेगा और इसके ऊपर आपके लिए एमसीक्यू बना देगा कि बताइए कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है। और ध्यान रखे यहां पर कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स पिछले दो एमसीक्यू से हमने थोड़ा अलग तरीके से निकाला, बिकॉज यहां पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन ना देके उन्होंने मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से कंप्यूट किया, तभी मैंने ये क्वेश्चन पिक किया ताकि हमारा ऑफ कोर्स एक हम पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख लें किसी क्वेश्चन में, और इसमें हमारा एक और प्रैक्टिस एमसीक्यू भी निकल आया, ये 4 डेटा देगा और आपको उसकी मदद से क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक और क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स कंप्यूट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से कर लेंगे अब आप।
ठीक है। चलिए हमारे पहले चार पॉइंट इसका मतलब हो चुके हैं, और उससे जो इन्फॉर्मेशन निकली कैश पेड टू क्रेडिटर्स वो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पुट कर दी। टैक्स पेड हमारा हो ही चुका था, अब हमारा मेनली जो पॉइंट रह गया है वो जानते हो कौन सा वाला पॉइंट रह गया है, ये वाला। डेप्रिसिएशन तो कहीं आएगा ही नहीं। अदर एक्सपेंसेस टोटल रुपीज 21,45,000, और हमें आउटस्टैंडिंग खर्चे दे रखे हैं 31 मार्च 5 और 31 मार्च 6 के 82 और 91। तो मैं इसको भी क्या करता हूं, एक लेजर की मदद से आपको समझा देता हूं और वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना तो एक्सपेंस का खाता और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो अलग अलग बनता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक शॉर्टकट है जिसमें हम दोनों लेजर को कंबाइन करके एक ही लेजर से भी काम चला लेते हैं। जैसे कि आप देखिए यहां पर एक्सपेंस के हम अकाउंट को अगर देखते हैं तो यहां पर एक ओपनिंग बैलेंस है और एक क्लोजिंग बैलेंस है। ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड है। और आप जरा सोचिए ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा है, क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो अगर मुझे किसी का रेंट आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होते हैं इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां लिखा है और यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा है। ठीक, अच्छा मान लो ये रेंट का ही खाता है और साल के शुरुआत में हमारा कुछ से 20,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग था, और जब हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा तो वहां पर हमने देखा कि हमारा 2,00,000 रुपए का रेंट डेबिट हो रखा है। अब आप जरा सोचिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई खर्चा डेबिट होता है तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू खर्चा अकाउंट, यहाँ पे रेंट है तो पीएनएल डेबिट टू रेंट है ना। तो रेंट अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय पीएनएल, तो यहाँ लिखा बाय पीएनएल। और एक बात और नोटिस करने वाली है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा अक्रूअल बेसिस पर आता है, ये बात मैटर ही नहीं करती कि आपने पे किया है कि नहीं किया, इसका मतलब पूरे साल भर में जो खर्चा ड्यू होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कहने का मतलब ये 20,000 हमारे साल के शुरुआत में रेंट के नाम के आउटस्टैंडिंग थे, मतलब जो देने बनते थे पर हमने पे नहीं किए थे, 2,00,000 रुपए और पूरे साल भर के ड्यू हो गए। कहने का मतलब ये कि 2,20,000 हमें अब टोटल पे करने हैं, लेकिन जब हम साल के आखिर में देखते हैं तो 10,000 ही रेंट आउटस्टैंडिंग दिखता है। सोचो 2,20,000 देने थे पर साल के आखिर में सिर्फ 10 ही रह गए, इसका मतलब बाकी आपने क्या किया होगा, पे कर दिया होगा, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर 2,10,000 जो है दिस इज रेंट पेड इन कैश। अब ये रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है और कोई भी खर्चा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस खाते में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है, और जो पूरे साल भर में ड्यू होता है वो बाय पीएनएल होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नजर तरफ नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर क्या लिखा आता है, टू खर्चा, तो खर्चे अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय पीएनएल। और जब किसी खर्चे को पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है, खर्चा टू बैंक, यहां पर आप देखोगे तो एक्सपेंस टू बैंक ही हो रहा है, नहीं। तो ये था एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब अपने इस क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसकी मदद लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले तो डेप्रिसिएशन की बात कर रखी थी हमने, कहा भाई ये तो इग्नोर करना है क्योंकि ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। उसके बाद लिखता है अदर एक्सपेंसेस टोटल रुपीज 21,45, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं बिगनिंग के 31 मार्च 5 के और लास्ट के क्लोजिंग भी दे रखे हैं 82 एंड 91। इसका मतलब ये हुआ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और ड्यू जो एक्सपेंस ड्यू है ड्यूरिंग द ईयर वो भी दे रखा है। एक बच्चे ने कहा कि सर ये कैसे पता लग रहा है कि ये ड्यू है, ऐसा तो लिखा नहीं कि ये ड्यू हुआ है, ये तो पेड भी तो हो सकता है। भाई जिस तरह की इंफॉर्मेशन है जहां पर उसने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया है तो सीधा वो एक्सपेंस पेड चांसेस है कि कम देगा, वो एक्सपेंसेस पेड नहीं देगा, वो निकालने के लिए ही बोलेगा। क्यों निकालने के लिए बोलेगा, जब वही दे देगा कि कितना पे हुआ है फिर हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं रह जाएगी। हाँ अगर उसने लिखा होता कि ये एक्सपेंस पेड है तो फिर हम उसे पेड मान के कैश फ्लो स्टेटमेंट सीधा दिखा देते, लेकिन यहां लिखा है अदर एक्सपेंसेस टोटल रुपीज 21,45, ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये सीधा पेमेंट दे रखी है या ये ड्यू खर्चा दे रखा है। तो क्योंकि और भी इंफॉर्मेशन है ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये ड्यू ही होगा, क्योंकि यहां पे सीधा पेड वर्ड लिखा भी नहीं हुआ, सिर्फ खर्चा वर्ड लिखा है, और बाकी इंफॉर्मेशन को देखते हुए लग रहा है कि कितना पे हुआ है ये हमें ही निकालना पड़ेगा। तो बस अब क्या है, एक्सपेंस अकाउंट बना हुआ है, इस अकाउंट में ये सारी इंफॉर्मेशन को आप पुट कर लीजिए। सबसे पहले हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा है 82, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 91, और खर्चा जो ड्यू है वो है 21,45,000। और अब आप ये बैलेंसिंग फिगर मुझे निकाल के बता दीजिए पूरे साल भर में कितना पे हुआ होगा, कितना, 21,36। इसका मतलब क्या है सर, मतलब ये है साल के बिगिनिंग में 82,000 आउटस्टैंडिंग था, हमारा और ड्यू हो गया
ये दोनों मिला के इतना पे करना था, लेकिन अब लास्ट में इतना ही बचा है, इसका मतलब बाकी क्या किया होगा, बाकी हमने पे कर दिया होगा। तो हमें काम की इंफॉर्मेशन अगर निकालनी हो इसमें से, तो काम की इंफॉर्मेशन हमारे लिए यही वाली है बस, कि पे कितना हुआ है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में पेमेंट मैटर करती है कि पेमेंट कितनी है, क्योंकि ये खर्चे हैं और खर्चे तो बेसिकली ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, तो ये भी हम बोलेंगे ये ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। तो एक्सपेंसेस पेड, वर्किंग आउट नंबर टू, कितना पे किया, 21,36,000। अगर हमारा रेगुलर बैच होता है ना, तो हम एक्सपेंसेस को लेकर ना कई सारे केसेस लिखते हैं, जिसमें हम और भी बहुत से एस्पेक्ट समझते सीखते हैं, पर फिलहाल क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिवीजन लेक्चर है, तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ही दिमाग में रखते हुए यहाँ बात करनी है। ठीक, तो हमारा आउटफ्लो था तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट्स में रखा। अब देख लेते हैं कुछ बचा है क्या हमारा इस क्वेश्चन में, और कुछ बचा है क्या। हमारी पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट, तीसरी, चौथी हो गई, टैक्स पेड वाली भी हो गई, ये भी हो गई, मशीनरी वाली भी हो गई थी, राइट इशू वाली भी हो गई थी, डिविडेंड वाली भी हो गई, कैश इन हैंड रखा है एट बैंक एज एट 31 मार्च 2005, टोटल कितना, 2,13,800। भाई 5 और 6 की इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये 31 मार्च 5 का बैलेंस है, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2,13,800, तो हम यहां पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 2,13,800। ठीक है, हमने और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आप मुझे इन सब का टोटल करके बता दीजिए कि कितना कितना आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो यही है, तो 10,27,500 ये आउटफ्लो है, ये हम लिख देते हैं। जरा मुझे ऑपरेटिंग का ये सब करके बताओ, 96,-7,5780 ये सब करके बताओ कितना बता रहे हो, ये 9,84,000 ये इनफ्लो है। हाँ जी सर, इनफ्लो है। अच्छा, डिविडेंड पेड के ब्रैकेट में हम ये ब्रैकेट लगाना भूल गए, ये क्योंकि डिविडेंड पे किया है तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा नेट में हमारा 2,50,000। ठीक है, तो देखा जाए ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है। ठीक, मुझे जरा अब ये बता दो कि ये नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना आ रहा है, ये 984-10,27,500+250 ये करके बता दो कितना आ रहा है, 2,06,500। तो नेट इंक्रीज और ओपनिंग को जोड़ दोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, 4,20,300। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के बेसिस पर एमसीक्यू कौन कौन से मांगे गए हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है 31 और उसमें बोलता है कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से वाले खर्चे अभी शो करें हमने, जो हमने पे किए हैं, तो यहां पर हमने पेमेंट कौन से वाले खर्चों की थी, ये रहे 21,36,000। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 21,36,000, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर वो बोल रहा है बताइए क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है। सर क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है हमने, ये रहा 57,80,000। 57,80,000 का मतलब हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे पढ़ते हैं, इफ वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर डायरेक्ट मेथड, हमने जो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है वो एज पर डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, जब मैं इनडायरेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको। ठीक है, फिलहाल अभी आप कहें कि ठीक है हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है। कह रहा है उस केस में डेप्रिसिएशन ऑफ 3/15 विल बी शोन एज, क्या हमने अभी कहीं भी डेप्रिसिएशन को शो किया, नहीं शो किया। क्यों नहीं शो किया, बिकॉज वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हम कहेंगे नन ऑफ दी अबव, कहीं पे भी शो नहीं होता, डायरेक्ट मेथड में कहीं नहीं शो होता। जो आपको याद आ रहा है कि कभी आपने ऐड किया था वो इनडायरेक्ट मेथड है, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू टू बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कह रहा बताइए राइट इशू से जो प्रोसीड्स आई है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना शो करेंगे। भाई जितना पैसा आया है 50,000 × 13, इसका मतलब ये कि ये हमारा हो जाएगा 6,50,000 रुपए, 6,50,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 35, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मांगा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो है 984 का मतलब हो गया ए इज द आंसर।
फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो मांगा है, ये आउटफ्लो है 1027,500, तो 1027,500 इसका सी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मांगा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का 2.5 लाख है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का 2.5 लाख है, तो हम यहाँ पर 2.5 लाख रुपए जो है टिक कर देंगे, इसका मतलब बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस हमने अभी कंप्यूट किया, क्लोजिंग बैलेंस हमारा है 4,20,300, 4,20,300 का मतलब हो गया आंसर हमारा 4,20,300, डी इज द आंसर। देखिए इतनी बात तो हमको समझ में आती है कि जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये एज इट इज हमारे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। हालांकि एग्जामिनर चाहे तो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे अभी हमने बनाया वैसे वो बना के पूछ सकता है। पीछे ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं जहां पर उसने एक कॉमन इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बेसिस पे 3-4 MCQ पूछ लिए, लेकिन स्टिल रेयर पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसकी तो पॉसिबिलिटी है ही ना कि इसमें से वो जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाले और हमसे एमसीक्यू पूछ ले, या फिर वो एक्सपेंसेस वाली इन्फॉर्मेशन निकाले और हमसे एमसीक्यू पूछ ले, या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड डेटा दे उससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछ ले, पूछ तो सकता ही है, मतलब एक्सट्रैक्ट निकाल के तो एमसीक्यू पूछ सकता है। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट लेजर्स हैं जिसके बेसिस पर जनरली एग्जाम में एमसीक्यू आता है, मैं वो लेजर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उसका लेजर बना के जो जो इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है उस पर एमसीक्यू आता है। लैंड एंड बिल्डिंग के लेजर पे आता है, इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट बनता है उससे रिलेटेड वो रिलेटेड एमसीक्यू पूछ लेता है। प्रोविजन फॉर टैक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उसका लेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है। तो जो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेजर है जो कि बेसिकली यूज होते हैं वो डेटा निकालने के लिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है, उन लेजर पे एमसीक्यू आता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे तो क्वेश्चन आ नहीं सकता। तो मैं अब आपके साथ क्या करने जा रहा हूं, अब मैं एक एक करके वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो लेजर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और उससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज है वो आपको मैं एग्जाम के करवा दूंगा। तो अगला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर। अब जो हमारी अगली एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स की, इससे रिलेटेड ना बहुत ही सिंपल एमसीक्यू एग्जाम में आता है और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी है। मैं एक एग्जाम्पल की मदद से इस एडजस्टमेंट को समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम जो ये लेजर ऊपर बना हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे वहां पर अकाउंटिंग जो हो रही है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने जो प्रॉफिट्स कमाए उन प्रॉफिट्स पर जो टैक्स लायबिलिटी बनी वो बनी 5 करोड़ रुपीज की, ठीक है। अब जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर आपने पढ़ा होगा सेक्शन 210 जो कि एडवांस टैक्स के प्रोविजंस पर बात करता है। एडवांस टैक्स के प्रोविजंस कहते हैं कि अगर आपका करंट ईयर का जितना भी टैक्स है वो आप करंट ईयर में ही पे करो, 4 किस्तों में पे करना होता है, आपको याद होगा वहां पर 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। मतलब कहने का ये है कि ये 5 करोड़ का टैक्स अगर हमारा बना है तो हम 21-22 में ही पे कर देते हैं, और नहीं पे कर पाते तो फिर हमारे ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है सेक्शन 234 ABC में। लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में बात करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एग्जिस्ट नहीं करते। सीए एग्जाम में कई क्वेश्चंस आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के जहां पर एडवांस टैक्स की बात हो रखी है, लेकिन हमारा जो सीएस इंस्टीट्यूट है मोर ऑर लेस आप देखोगे तो वो एडवांस टैक्स के प्रोविजन को नहीं मानते हुए चलता। कहने का मतलब यह है कि ये जो 5 करोड़ रुपए का टैक्स है, जिस साल का ये टैक्स है उस साल में पे नहीं करते। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, पे नहीं करते। फिर पे कब करते हैं, अगले साल, मतलब जब नेक्स्ट ईयर आएगा 2022-23, इस 2022-23 में एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आएगी। अगर आपको पता हो 30 सितंबर होता है जनरली कंपनीज के लिए, जो सरकार कभी कभार बढ़ा भी देती है, इस डेट तक मुझे एक सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, मतलब बताना होता है कि भाई देखो 21-22 में हमने ऐसे 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 प्रॉफिट कमाया और हमारा जो टैक्स है वो ऐसे ऐसे बन गया। मतलब मैं 21-22 की सारी इंफॉर्मेशन कि हमने कैसे कैसे ये 5 करोड़ रुपए का टैक्स लायबिलिटी बनाया है या फिर कितना हमने प्रॉफिट कमाया और कैसे इस पर 5 करोड़ का टैक्स बन गया, ये हम सरकार को बताते हैं थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब हम यहां पर एक आईडीआर फाइल करते हैं और आईडीआर कौन से वाले इसमें आईडीआर में कौन से वाले साल की डिटेल देते हैं, पिछले वाले साल की, और यहीं पर हम मान के चलते हैं कि ये 5 करोड़ रुपए हम पे कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस साल की टैक्स लायबिलिटी होती है वो हम पे करते हैं अगले साल। लेकिन मैंने कहा प्रैक्टिकली एडवांस टैक्स के प्रोविजन होते हैं वो उसी साल पे हो जाता है, लेकिन
कैश फ्लो स्टेटमेंट के पर्पस के लिए आप मान के चलेंगे, अगर 21-22 की टैक्स लाइबिलिटी है तो वो पे कब होगी, 22-23 में होगी। ठीक है, समझ में आता है? अच्छा ठीक है, ऐसे ही मान लो 22-23 में भी हमने प्रॉफिट्स कमाए और यहां हमारा जो टैक्स बना वो 6 करोड़ का बना। अब ये 6 करोड़ का टैक्स मैं कब पे करूंगा, 2023-24 में, और यहां पर हमारी फिर से एक आईटीआर फाइल होगी, और इस आईटीआर में हम कौन से वाले साल का डेटा देंगे सरकार को, 22-23 का, 22-23 की हमने ऐसे ऐसे प्रॉफिट कमाया और ऐसे हमारा 6 करोड़ का टैक्स बना, और ये 6 करोड़ का हम चेक यहां लगाएंगे 23-24 में। फिर मान लो हमने 23-24 में फिर इतने प्रॉफिट कमाए कि हमारा टैक्स जो है 6.5 करोड़ का बन गया। अब ये 6.5 करोड़ का जो टैक्स है हम पे कब करेंगे, अगले साल पे करेंगे। तो भी इतनी बात तो समझ में आती है कि हमारा जो टैक्स होता है, जो भी टैक्स हमारा बनता है वो हम नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं, या फिर ये कहूं कि करंट ईयर में हम जो टैक्स पे कर रहे होते हैं वो लास्ट ईयर वाला पे कर रहे होते हैं। मतलब कहने का ये है 22-23 में आपने कौन सा वाला टैक्स पे किया, 21-22 का, ये 5 करोड़ पे किया। 23-24 में आपने कौन सा टैक्स पे किया, 22-23 वाला, मतलब 6 करोड़। मतलब हम करंट ईयर में लास्ट ईयर वाला टैक्स पे करते हैं, क्योंकि करंट ईयर में आईटीआर कौन सी फाइल होती है, लास्ट ईयर वाली। तभी आपने ये वर्ड्स कई बार सुने होंगे अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले कभी किया है, रट्टा लगवाते हैं कई कई बार कि लास्ट ईयर का पेड, और एक वर्ड होगा करंट ईयर का मेड, करंट ईयर का मेड, लास्ट ईयर का पेड। लास्ट ईयर का पेड क्यों, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आईटीआर लास्ट ईयर की इस साल फाइल होती है। ठीक, अच्छा, अब ये जो 5 करोड़ रुपए है, ये वाला 5 करोड़, हमने कहा भाई पे तो हमारा अगले साल हो रहा है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन ये खर्चा तो 21-22 का ही है। तो इस खर्चे को हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे तो 21-22 के पीएनएल में ही लेके जाते हैं। मतलब ये कि भाई खर्चा जिस साल का है उसी साल के पीएनएल में डेबिट होता है। ये 6 करोड़ रुपए जब मैं पीएनएल डेबिट करूंगा तो मैं 22-23 का ही पीएनएल डेबिट करूंगा। पेमेंट इस 6 करोड़ की अगले साल हो रही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब तक बात आती है वो उसी साल का पीएनएल डेबिट होगा जिस साल का वो टैक्स है। भाई आप जानते हो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें 2 एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, एक खर्चा पे करने की और एक खर्चा ड्यू करने की। जैसे हम सैलरी अगर मान लो पे करें तो सैलरी टू बैंक, फिर पीएनएल टू सैलरी, रेंट टू बैंक, फिर पीएनएल टू रेंट। मतलब खर्चा पे होता है फिर बाद में पीएनएल में ट्रांसफर होता है, तो टैक्स भी तो एक खर्चा ही है। तो ये पे हो रहा है तो पीएनएल में तो डेबिट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखो कुछ ऐसा करते हैं, ये जो 5 करोड़ रुपए का टैक्स है ये कब का है, 21-22 का है ना, तो 21-22 का ही जब साल खत्म हो जाएगा तो हम पीएनएल बनाएंगे, तो हम लिखेंगे पीएनएल डेबिट टू, पीएनएल डेबिट टू, ध्यान रखो वर्ड लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। इसको खर्चा ही समझो, खर्चा ही है, और इस खर्चे से क्या डेबिट कर रहे हैं, पीएनएल से कितने रुपए, 5 करोड़, कितने रुपए, 5 करोड़। भाई वैसे तो हम सिंपली टैक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इस खर्चे के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रोविजन वर्ड क्यों यूज किया, अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा, फिलहाल प्रोविजन फॉर टैक्स। और जब ये पे करते हैं तो फिर हम एंट्री क्या करते हैं, फिर हम एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब ये कि हमने प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की लाइबिलिटी पहले क्रिएट करी, जिस साल हमारा जो साल का टैक्स है उसी साल जो हमने साल खत्म किया उसी साल के आखिर में हमने प्रोविजन फॉर टैक्स की लाइबिलिटी एक क्रिएट कर दी, और वो लाइबिलिटी को सेटल कब कर दिया, अगले साल। नेट में आप देखोगे तो हो क्या रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आपस में कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली व्हाट इज द एंट्री, पीएनएल टू बैंक। आप किसी और खर्चे को भी देख लो, सैलरी टू बैंक, फिर पीएनएल टू सैलरी, सैलरी सैलरी कैंसिल हो गया तो पीएनएल टू बैंक ही बचा, रेंट टू बैंक, पीएनएल टू रेंट, रेंट रेंट आपस में कैंसिल हो गया तो पीएनएल टू बैंक ही बचा। ठीक है, अच्छा अब 22-23 में आ जाओ। 22-23 में आपने क्या किया, 22-23 में आपने जो ये 6 करोड़ रुपए का टैक्स हमारा है इसके लिए हमने इसी साल का पीएनएल डेबिट किया। मतलब 22-23 का ही पीएनएल डेबिट करेंगे, पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स कितने, 6 करोड़, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक कर देंगे अगले साल कितना, 6 करोड़। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, ये वाला जो ईयर है, कौन से वाला, 22-23 जो ईयर है, इसमें ना 2 इवेंट हो रहे हैं। पहला इवेंट, हम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन कौन से साल का, पिछले साल का, पिछले साल का। करंट ईयर में टैक्स क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि आईटीआर इस वाले साल में फाइल हो रही है, 22-23 में 21-22 की आईटीआर फाइल हो रही है। और दूसरा इवेंट क्या हो रहा है कि हम पीएनएल में इसी साल का टैक्स लेके जा रहे हैं, इस साल का टैक्स कितना है, 6 करोड़, और इसी साल का टैक्स हम पीएनएल में लेके गए हैं। मतलब अगर आप सिर्फ 22-23 ईयर को देखोगे तो 2 इवेंट होते हुए दिखेंगे, एक पेमेंट कितना हो रहा है टैक्स का, पेमेंट ध्यान रखें करंट ईयर वाला नहीं होता, क्योंकि करंट ईयर का टैक्स
अगले साल पे होगा। पेमेंट कौन सा होता है? लास्ट ईयर वाला। और जो हम बोलते हैं प्रोवाइड या मेड, इसका मतलब होता है पीएनएल में क्या डेबिट किया। पीएनएल में हम कौन सा डेबिट करते हैं? जो करंट ईयर का टैक्स है, जो करंट ईयर का खर्चा है। करंट ईयर का खर्चा कितना है? 6 करोड़। भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है, करंट ईयर का बताओ कितना है। पेमेंट जो मर्जी किया हो आपने, करंट ईयर का टैक्स तो 6 करोड़ है। अब कोई बात नहीं, इसको पे अगले साल कर देना, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट आएगा, तो बर्डन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उतना दो जितना कि उसी साल का टैक्स है। तो उस साल का टैक्स 6 करोड़ है। अच्छा, अब यहां पर 23-24 पर आ जाओ। 23-24 में हम जो पे करेंगे वो कौन सा करेंगे? 6 करोड़। 6 करोड़ कौन सा है? लास्ट ईयर वाला है। 6 करोड़ कौन सा है? लास्ट ईयर वाला है। तो ये हम पे कर देंगे। और प्रोवाइड कौन सा करोगे? ये 6.5 करोड़। यहां पर हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम यहां पर एंट्री करेंगे पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 6.5 करोड़। तो मैं सिंपल सा, ये जो बात आप हमेशा से सुनते आए हैं कि करंट ईयर का मेड और प्रीवियस ईयर का या लास्ट ईयर का पेड, उसका लॉजिक सिंपली ये है कि करंट ईयर का मेड मतलब जो इस साल का टैक्स है, उतना ही अमाउंट इस साल के पीएनएल में लेके जाओ, और जो पिछले साल का टैक्स है वो हम इस साल पे कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल वाली आईटीआर हम मान के चल रहे हैं इस साल फाइल हो रही है, और आईटीआर के साथ ही हम चेक लगा देते हैं कि भाई देखो ये रहा टैक्स। मतलब ये कि ये 21-22 का जो 5 करोड़ टैक्स बना, इसकी आईटीआर अगले साल फाइल होगी। जब हम आईटीआर सरकार को भेजेंगे तो साथ में 5 करोड़ का चेक भी लगा के भेजेंगे, भाई ये टैक्स भी रख लो। अब ना ध्यान से प्लीज सुनना, मैं 22-23 को फोकस में रखते हुए कुछ बातें बोलूंगा। 22-23 को फोकस में रखते हुए कुछ बातें बोल रहा हूं। देखो 22-23 की जब शुरुआत हुई तो प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता पहले से ही खुला हुआ है। कितने रुपए से? 5 करोड़ रुपए से। ये खाता पहले से ही खुला हुआ है। ये हमने कब खुला होगा? 22-23 की शुरुआत में खुला हुआ है। इसका मतलब जो ये 21-22 वाला साल है, इसके एंड में हमने एक एंट्री करी पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता खुल गया 5 करोड़ से। तो देखा जाए 22-23 के बिगिनिंग में ये 5 करोड़ रुपए का जो टैक्स का अकाउंट है ये खुला हुआ है। तो कह सकते हैं, अगर मैं इस अपने लेजर की तरफ आऊं और मान लो मैं ये 22-23 के लिए बात कर रहा हूं अगर, तो क्योंकि पिछले साल ही हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता खोल दिया था, तो शुरुआत हमारी इस पर्टिकुलर ईयर में 5 करोड़ से हो रही है। प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता पहले से ही खुला हुआ है, और जानते हो ये कब तक खुला रहेगा? जब तक ये पे नहीं हो जाता। और हम कुछ ही टाइम के बाद इस 5 करोड़ को पे भी कर रहे हैं, आईटीआर फाइल हो जाएगी, और फिर एंट्री क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। मतलब ये 5 करोड़ पे भी हो गया। आप देख रहे हो ये 5 करोड़ कब का टैक्स है? 21-22 का। तो लास्ट ईयर हमने पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स जब एंट्री की होगी तो प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता खुल गया होगा, और इस साल में प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक करके इस खाते को क्लोज कर दिया होगा। ये 5 करोड़ मान के चलते हो कि लास्ट ईयर का टैक्स है। लास्ट ईयर का टैक्स हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये लास्ट ईयर खत्म होता है, फिर हम 6 करोड़ के टैक्स को प्रोवाइड करते हैं। एंट्री क्या करते हैं? पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 6 करोड़ रुपए करंट ईयर का टैक्स है, तो हम यहां पर 6 करोड़ रुपए का एक एंट्री कर देते हैं पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और क्योंकि ये खाता फिर से खुल गया, और ये खाता अब क्लोज कब होगा? अगले साल, क्योंकि ये 6 करोड़ कब पे होने वाले? नेक्स्ट ईयर। मतलब ये कि ये 6 करोड़ फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले साल से एक खाता चला हुआ आ रहा था 5 करोड़ का, वो इस साल पे हुआ, खत्म हो गया। फिर इस साल हमने फिर से 6 करोड़ का प्रोविजन बनाया, और ये खाता अब कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये 6 करोड़ पे कब होंगे? अगले साल। अब मैं कुछ एग्जाम्पल या कुछ एमसीक्यू की मदद से ना इस बात को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं। तो आइए पहले कुछ एमसीक्यू हम देख लेते हैं और इसके बेसिस पर। अब क्वेश्चन नंबर 39 में अगर आप देखोगे तो ना हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का एक बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000 का। अब आप जरा देखिए यहां पर जो साल चल रहा है वो 12-13 चल रहा है, नहीं, और हमें 12-13 का एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000 रुपए का। अब आप जरा लॉजिकली सोचिए, जो बैलेंस 1 लाख रुपए का ओपनिंग है, इसका मतलब इसका प्रोविजन तो हमने पिछले साल बनाया होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 1 लाख रुपए है, ये प्रोविजन जो बना होगा ये लास्ट ईयर बना होगा, और इसकी आईटीआर हमने करंट ईयर मतलब 12-13 में फाइल की होगी, और 12-13 में ही हमने सरकार को ये 1 लाख रुपए का टैक्स दे दिया होगा। और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000 का, ये पक्का हमने करंट ईयर में ही नया प्रोविजन बनाया होगा, क्योंकि ये करंट ईयर का टैक्स होगा। इसका खाता क्यों खुला हुआ है 1,20 का? ये 1,20 का खाता इसलिए खुला है क्योंकि ये इस साल पे हो ही नहीं सकता,
ये अगले साल पे होगा। तो ये अगले साल पे होने का मतलब है ये सिर्फ करंट ईयर में प्रोवाइड किया गया है, पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 1,20,000 रुपए से। मतलब ये हुआ कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है बेसिकली ये पुराने वाले पिछले साल का जो टैक्स है, पिछले साल प्रोविजन बनाया होगा लेकिन इसका पेमेंट इस साल हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज लास्ट ईयर का पेड। जो आपने सीखा है वो गलत नहीं है लेकिन लॉजिक ये है लास्ट ईयर का पेड। और जो ये करंट ईयर का प्रोविजन है ये आपने इस साल बनाया होगा तो ये क्या है करंट ईयर का मेड, ये क्या है करंट ईयर का मेड। तो एंट्री वाइज देखें तो आपने क्या किया है, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक किया है, कौन से वाला जो लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का कितना था 1,00,000। ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है, ये प्रोविजन बनाया तो पिछले साल होगा ना, और आपने पीएनएल डेबिट किया होगा उस वाले टैक्स का जो आपका करंट ईयर का टैक्स होगा, तो उसके लिए एंट्री क्या करी होगी, पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 1,20,000। तो साल के आखिर में हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का जो खाता है वो कितने से खुला रह जाएगा, जो करंट ईयर का टैक्स है उससे खुला रह जाएगा। ये खत्म कब होगा, ये बैलेंस कैरी डाउन अगले साल का क्या बन जाएगा, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और अगले साल ये 1,20,000 पे हो जाएगा और अगले साल का टैक्स फिर प्रोवाइड होके फिर उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो पे तो हम कौन से वाला करते हैं, लास्ट ईयर वाला पे करते हैं। तो ए इज द आंसर। चलिए अब ये अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं ना इसी क्वेश्चन के डेटा की मदद से अब कुछ और एडिशनल बातें समझा रहा हूं। ठीक है, अब मैं इस सबको रब कर रहा हूं और मैं इसी की मदद से, ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं कुछ और बातें बोल रहा हूं, अब ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनना। ठीक है, कुछ और बातें बोल रहा हूं, अब भूल जाएगी ये क्वेश्चन है, अब मैं कुछ और बातें कर रहा हूं आपके साथ। मान लीजिए हमारा पिछले साल का प्रोविजन चला हुआ आ रहा है 1,00,000 रुपए, इसका मतलब लास्ट ईयर हमने ये सोचा होगा कि हमारा 1,00,000 का टैक्स बनता है। और आप भी जानते हो कि ITR फाइल करने से पहले हमारी किताबें ऑडिट होती हैं और हमारे ऑडिटर ने हमको बताया, अरे सर ये क्या कर रखा है, आपका 1,00,000 का टैक्स तो बन ही नहीं रहा, आपका टैक्स ही मात्र 80,000 का बन रहा है, आपने ये 1,00,000 रुपए क्यों पे कर दिए भाई, 1,00,000 रुपए क्यों पे करने का सोच रहे हो, आपका टैक्स ही 80 बनता है। मतलब हमने ऐसी कोई इनकम भी दिखा दी जो एग्जेम्प्ट थी, मतलब हमने 1,00,000 का टैक्स निकाला लेकिन जो हमारा ऑडिटर है वो कहता है सर आपका टैक्स तो सिर्फ 80,000 का बनता है। तो अब मुझे बताइए, मैंने गलती से प्रोविजन 1,00,000 का बना दिया पर मेरा ऑडिटर को बाद में पता लगा अरे आपने एग्जेम्प्ट इनकम भी टैक्स में ले लिया, तो अब मैं सरकार को जब ITR के साथ पे करूंगा तो 1,00,000 ही पे कर दूं जो ज्यादा बना दिया गलती से, या 80,000 पे करूं। सर 80,000 पे करो, इसका मतलब ये कि हो सकता है कि मैंने प्रोविजन पहले ज्यादा बना दिया हो, प्रोविजन ज्यादा बना दिया हो। मतलब कहने का यह है कि 1,00,000 रुपए का जो टैक्स मैंने सोचा था वो एक्चुअली में 80,000 का टैक्स था, मतलब मेरा 20,000 का प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है, 20,000 का प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है। अच्छा, करंट ईयर का टैक्स मान लो मेरा 120 था, तो मैं अब जो है 120 का ही प्रोविजन बनाऊं या मैं कम प्रोविजन बनाऊं। सर 20,000 तो आपका पहले ही एक्स्ट्रा बना हुआ है तो कम प्रोविजन बना लो। कितना प्रोविजन बनाऊं सर, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आप देख रहे हो, मैं यहां पर 1,00,000 का प्रोविजन बनाऊंगा जबकि 1,20,000 का लायबिलिटी है। मैंने कम प्रोविजन क्यों बनाया, क्योंकि पिछले साल ज्यादा बन गया था, पिछले साल 1,00,000 का बना दिया जबकि मेरे को पेमेंट सिर्फ 80 की ही करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस बार हम कम बना लेंगे, इस बार 1,20,000 का रिक्वायरमेंट था लेकिन बना लिया 1,00,000 रुपए। कहने का मतलब ये कि अब कभी कभी क्वेश्चन पता है क्या देगा आपको, ओपनिंग बैलेंस देगा, क्लोजिंग बैलेंस देगा, पे कितना होना है वो भी देगा, तो ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, क्या दिक्कत है। और सुनो, मान लो कि हमने 1,00,000 का प्रोविजन बनाया, अब हमारे जो हमारे ऑडिटर साहब थे उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा सर ये क्या, आपने तो अपनी इनकम कम रिपोर्ट करी, आपका टैक्स 1,00,000 नहीं 1,20,000 बनता है, नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो 1,20,000 पे करना। मतलब हमने गलती से प्रोविजन कम बना दिया, हमारी टैक्स लायबिलिटी 120 बन रही थी पर हमने ऐसा भी कोई खर्चा डेबिट मार दिया जो डेबिट करना अलाउड नहीं था, तो हमारे ऑडिटर ने कहा कि 1,00,000 नहीं 1,20,000 का टैक्स देना है, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं पे ठीक कर देंगे, 1,20,000 पे कर देंगे।
इसका मतलब इस बार पिछले साल का प्रोविजन हमने कम बनाया था, हमारा 20,000 का प्रोविजन बनाना शॉर्ट रह गया। अच्छा इस साल का 1,20,000 था, तो मैं अब क्या करूं, 1,20,000 तो ये वाला बनाएंगे और 20,000 जो पिछले साल शॉर्ट बनाया था वो भी बनाएंगे। इसका मतलब मैं इस बार कितना बनाऊंगा, मैं इस बार 1,40,000 बनाऊंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप देख लो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। कहने का मतलब ये है, देखो आप बस इस बात को समझो कि इस खाते में चार चीजें हैं, ओपनिंग क्लोजिंग टू बैंक बाय पीएनएल, तीन चीजें वो आपको देगा, चौथी चीज आप निकाल देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के थ्रू ना आइए हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बिल्डअप करते हैं। जून 2015 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2013 वह 16,000 रुपए एंड ऑन 31 दिसंबर 2014 18,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने का मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, 2013 के एंड का हमें बैलेंस दे रखा है और 2014 के एंड का दे रखा है। 2013 का एंड मतलब 2014 का बिगनिंग, मतलब 2014 का ओपनिंग बैलेंस हमको दे रखा है 16,000 रुपए का और 2014 का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 18,000 रुपए का। मान लीजिए ये वाली लाइन नहीं लिखी हो, अब ये लाइन लिखी है मैं जानता हूं, लेकिन मान लो ये लाइन ना लिखी हो, सिर्फ इतना ही डेटा दिया हुआ हो, तो हम पता है क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ये वाला प्रोविजन है ये पिछले साल बना होगा, पिछले साल इसकी एंट्री पास हुई होगी पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स दिसंबर 13 के एंड में, और इस साल हम इसको क्या कर देते हैं, इस साल हम इसको पे कर देंगे। कितना? 16,000 रुपए ये यहां पे कर देंगे, मतलब क्या, लास्ट ईयर का पेड। और जो ये 18,000 का प्रोविजन बन रखा है ये कब बनाया होगा, ये करंट ईयर ही बना होगा, ये करंट ईयर का टैक्स होगा। इसका मतलब इसके लिए हमने क्या एंट्री करी होगी, पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन यहां पर हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि यहां पर हमें कुछ और बात भी बता रखी है। आप बस इस बात को समझे कि चार में से तीन चीजें आपको पता है, चौथी चीज आपको निकालनी है। यहां देखो उसने क्या लिखा है, कह रहा प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 19,000 वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर 2014। कहता हमने करंट ईयर में जो प्रोविजन बनाया है वो 19,000 का बनाया है। तो इसका मतलब ये कि आपके पास तीन चीजें आ गई, चौथी चीज आप बैलेंसिंग फिगर यहां पर कंप्यूट कर लेंगे, मतलब ये 16+19 होता है 35,000, ये हो गया 35, 35 माइनस 18, 17,000 का हमने टैक्स पे किया होगा। अब आप जरा सोचिए, अगर हमारा 18,000 का प्रोविजन है तो हमने 19 का क्यों बनाया, भाई हमारी करंट ईयर की लाइबिलिटी 18 की है तो मैंने 19 का प्रोविजन क्यों बनाया होगा, 1,000 ज्यादा क्यों बनाया होगा, पक्का जो मेरा पिछले साल बना होगा वो कम बना होगा। इसका मतलब आप जरा चेक करें, 16,000 बन रखा है लेकिन हमने पे कितना किया सरकार को, 17। मतलब ये कि मैंने बनाया प्रोविजन लास्ट ईयर 16, लेकिन मेरे ऑडिटर ने क्या बोला होगा, अरे कम बना रखा है, ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो 17 सरकार को पे किया। तो पिछले साल का जो 1,000 का शॉर्टफॉल है वो मैं इस साल पूरा कर दूंगा, 18+1 19 पे मैंने बना दिया। भाई आप जरा सोचिए, मैं इसका नाम प्रोविजन, प्रोविजन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो लाइबिलिटीज मैंने बनाई है, प्रोवाइड करी है, ये चेंज हो सकती है। अच्छा जरूरी नहीं है कि मेरा ऑडिटर बदले, हो सकता है कि मैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटीआर फाइल करूं वहीं से नोटिस आ जाए कि तुमने जो टैक्स पे किया वो ठीक नहीं पे किया, और पे करो, मैंने 16 का चेक लगा के भेज दिया, नोटिस आ गया कि 1,000 कम पे कर रखा है, वो भी भेजो, तो पे करना पड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको लेकिन ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तीन चीजें पता है चौथी निकाल देंगे, तीन चीजें वो बताएगा आपको, खुद ही बताएगा, तीन चौथी आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। आपको ज्यादा लॉजिकल नहीं सोचना, मैंने लॉजिकली बता दिया है, पर आपको सिंपली तीन चीजें लिख के चौथी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। चार चीजें आती है, ओपनिंग क्लोजिंग टू बैंक बाय पीएनएल, बात खत्म। अच्छा आप जरा बताइए हमारा इस क्वेश्चन में मांगा क्या है, कह रहा टैक्स पे कितना किया है। सर टैक्स हमने पे किया है 17,000 रुपए का, टैक्स कितना पे किया है 17,000 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ए इज द आंसर। ठीक है पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 41 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, आइए जरा पढ़े। कह रहा है एमएन लिमिटेड रिपोर्टेड इनकम टैक्स एक्सपेंस, कह रहा है जो एमएन लिमिटेड है उन्होंने इनकम टैक्स एक्सपेंस जो रिपोर्ट किया है 6,10,000 रुपए का रिपोर्ट किया है। कहां पर? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स शो किया है वो 6,10,000 शो किया है। मतलब ये कि पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है ये आपको बता दिया, 6,10,000 नहीं, यही तो मतलब हुआ। अच्छा कह रहा कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शो दैट इनकम टैक्स पेबल ऑन 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। मतलब आपको ओपनिंग भी बता दिया, ओपनिंग प्रोविजन 80 और क्लोजिंग प्रोविजन कितना, 31। आपको कुछ सोचना है क्या? नहीं, सिंपली बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट करिए। आप बताइए भाई बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। सर ये 690 हो गया,
690, जरा 690 में से 130 माइनस कर दो, कितना आ रहा बताओ भी बताओ, 560। इसने क्या पूछा है हमसे? बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन कैश पेमेंट टू इनकम टैक्स, कैश पेमेंट फॉर द इनकम टैक्स, कैश पेमेंट कितने की है? 5,60,000 की। तो 5,60,000 सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, फिर से एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिसंबर 2019 का। बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन 1/4/18 एंड 31 मार्च 19, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं? सर ओपनिंग है 13,72,000 और क्लोजिंग है 14,55,000 का, ठीक है। अब इस बार ध्यान रखें, इस बार बात कुछ और बोली है, कह रहा ड्यूरिंग द ईयर 12,05,000 वर पेड, पेड वर्ड है टुवर्ड्स इनकम टैक्स, मेड नहीं बोला इस बार, पेड बोला है, इसका मतलब हमने पे कितना किया है 12,05,000। इस बार ये गिवन है तो इस बार ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, प्रोवाइड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, इसलिए इसने पूछा क्या है अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर, अमाउंट ऑफ प्रोविजन मेड फॉर टैक्सेशन, कि कितना प्रोवाइड किया है, मेड मतलब कितना प्रोवाइड किया है। जरा मुझे फटाफट से बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ। सर 12,05,000 लेंगे, उसमें जोड़ देंगे हम कितना 14,55,000 और उसमें से फिर माइनस कर देंगे हम 13,72,000 और ये आ जाएगा 12,88,000, 12,88,000 हमारा आंसर आ रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और मैंने कहा चार चीजें आती हैं बस वो दिमाग में रखेंगे, अगर वो सिर्फ दो ही दे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे तब क्या करना, लास्ट ईयर का पेड करंट ईयर का मेड, अगर वो तीसरी चीज भी दे दे तो चौथी चीज को बैलेंसिंग फिगर निकाल देना। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कितना कितना दे रखा है 20 और 30, 20,000 ये दे दिया, 30,000 ये दे दिया, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए क्या दे रखा है, इफ टैक्स पेड, इस बार भी पेड है, 24,000 का पे किया है, मतलब ये दे रखा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड इन दिस ईयर विल बी, भैया बताइए जी बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है। सर बैलेंसिंग फिगर ये हो गया 54 में से 20 माइनस कर देंगे तो 34,000 आ जाएगा, 34,000 का मतलब ए इज द ऑप्शन। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और आज जो हम एएस लिख रहे हैं वो है एएस नंबर 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, और इसका डिस्कशन तो हमारे सिलेबस में डिटेल में भी है, तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस सेगमेंट रिपोर्टिंग के एएस में क्या होता है। फिलहाल एएस 17 हमारा क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब जरा मुझे 15 से एक बार याद लाइए कौन कौन से थे। सर 15 नंबर था एम्प्लॉई बेनिफिट्स के ऊपर, 16 नंबर है बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर और 17 नंबर है सेगमेंट रिपोर्टिंग। पहले पांच याद ला दोगे क्या? सर पहला नंबर एएस था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, दूसरा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा टॉपिक ही चल रहा है, चौथा एएस था हमारा नेट प्रॉफिट, नहीं नहीं सर वो तो पांचवा था कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, और एएस नंबर पांच है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। 15, 16, 17 बताओ। सर 15 एम्प्लॉई बेनिफिट्स, 16 बोरोइंग कॉस्ट और 17 नंबर जो है वो है हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग पर हमारा डिटेल डिस्कशन भी है, और आज जो हम एब्रीविएशन लिखेंगे वो है ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसके ऊपर भी हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी हमारा एक सेपरेट डिस्कशन है ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कारो की फुल फॉर्म क्या? कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। एमआईएस की फुल फॉर्म क्या? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ईवीए की फुल फॉर्म क्या? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एआईसीपीए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।